दोस्तों आईपीएल 2020 में केकेआर टीम फर्स्ट मैच में ही बहुत सारा गलतियां कर बैठे, जिसके कारण केकेआर टीम को फर्स्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। जी हां दोस्तों, एमआई जैसे डिफेंडिंग चैंपियन टीम के सामने केकेआर टीम के सभी प्लेयर्स काफी कमजोर दिखाई दिए, जिसका मेन कारण है गलत प्लेइंग 11 बनाना। क्योंकि प्लेइंग 11 में ऐसे कुछ प्लेयर्स थे जिनको खिलाने का जरूरत नहीं था, फिर भी टीम ने फर्स्ट मैच में ही उनको मौका दे दिया। लेकिन दोस्तों केकेआर की टीम अब सेकेंड मैच के लिए प्लेइंग 11 में बहुत ही बड़ा बदलाव करने वाली है, और तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको प्लेइंग 11 से बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको तीन ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको सेकंड मैच के लिए प्लेइंग 11 से बाहर किया जाएगा और किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900 लाइक्स का, उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी जल्द कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि केकेआर रिलेटेड डेली वीडियो सब मिस ना कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा फैंटासी पावर 11 ऐप, जहां आप फ्री में हर रोज एक आईफोन 11 प्रो जीत सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगेगा, करना कुछ नहीं है। बस आज शाम के मैच के लिए दोनों टीम में से 11 प्लेयर्स को लेकर आपका बेस्ट प्लेइंग 11 बनाना है, और इस ऐप में गैजेट गिवअवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। मैं तो ऑलरेडी मेरा बेस्ट प्लेइंग 11 बना के ज्वाइन कर चुका हूं, तो आप भी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए। और ज्वाइन करते ही आपको 100 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा, जिसके मदद से आप गैजेट गिवअवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और डेली एक आईफोन 11 प्रो जीत सकते हैं। तो दोस्तों केकेआर टीम की सेकेंड मैच एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम के साथ 26 तारीख को अबू धाबी के शेख जईद स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट मैच हारने के बाद केकेआर टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो गलतियां टीम से देखने को मिला था, उम्मीद करता हूँ ऐसा गलतियां सेकेंड मैच में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सेकेंड मैच भी सेम स्टेडियम पर खेला जाएगा, तो अब केकेआर को पिच के बारे में काफी अंदाजा हो चुका है। तो तीन ऐसे खिलाड़िया है जिनको प्लेइंग 11 से बाहर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों केकेआर टीम से जो तीन बाहर हो सकता है, उनमें से सबसे पहले है संदीप वारियर। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं संदीप वारियर ने फर्स्ट मैच में बेहद खराब गेंदबाजी की, जिसके कारण एमआई टीम के बल्लेबाज शुरू से ही उनके पीछे लगे हुए थे। जहां एक तरफ शिवम मबी रन रोके हुए थे, दूसरी तरफ संदीप वारियर रन देते नजर आ रहे थे। संदीप वारियर ने 3 ओवर गेंदबाजी करके 11.3 इकोनॉमी के साथ 34 रन दे चुके हैं। तो दोस्तों संदीप वारियर की जगह केकेआर की टीम सेकेंड मैच में कमलेश नगरकोटी या तो प्रसिद्ध किस्ना को प्लेइंग 11 में खिलाने वाली है, और मेरे हिसाब से कमलेश नगरकोटी को खिलाना बिल्कुल सही रहेगा। कमलेश नगरकोटी को चोट के चलते एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस साल बिल्कुल फिट है, तो उनको प्लेइंग 11 में जरूर मौका देना चाहिए, ताकि शिवम मबी और कमलेश नगरकोटी का एक जोड़ी बन सके। उसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में बात करें तो वो है निखिल नायक। दोस्तों फर्स्ट मैच में ही निखिल नायक जैसे प्लेयर्स को मौका देना केकेआर टीम की सबसे बड़ी गलती थी। जहां टीम में राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, सिद्धेश लाड जैसे प्लेयर मौजूद है, वहां निखिल नायक को खिलाना बिल्कुल बेकार एक डिसीजन था। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था, केकेआर की ओपनिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही नहीं लगा, तो सुनील नारिन को प्लेइंग 11 में तो जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन ओपनिंग में शुभमन गिल के साथ राहुल त्रिपाठी को भेजना चाहिए। जी हां दोस्तों, सुनील नारिन का कमजोरी गेंदबाजों को पता चल चुका है, तो सुनील नारिन ज्यादा मैच में नहीं चलेगा। तो अभी से ही केकेआर टीम को ओपनिंग कॉम्बिनेशन सही कर लेना होगा, तो सेकेंड मैच में निखिल नायक की जगह राहुल त्रिपाठी या तो रिंकू सिंह को मौका मिलेगा। और आखिरी जो खिलाड़ी है वो है पैट कमिंस। तो दोस्तों पैट कमिंस को बिठाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका वो फर्स्ट मैच था, क्वारंटीन से सीधा मैदान पर उतर गए थे, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं मिला। पैट कमिंस को थोड़ा टाइम चाहिए, तो आगे जाके खतरनाक गेंदबाजी उनसे देखने को मिलेगा। तो पैट कमिंस को खराब प्रदर्शन के लिए नहीं, लेकिन कुछ मैच रेस्ट देने के लिए टीम उनको बाहर बिठा सकती है, और उनके जगह लॉकी फर्गुसन को मौका दे सकती है, क्योंकि लॉकी फर्गुसन 2 प्रैक्टिस मैच भी खेल चुके हैं, जहां उनका काफी अच्छा फॉर्म भी देखने को मिला था। और दोस्तों अली खान को भी मौका मिल सकता है, हाल ही में सीपीएल खेल चुका है, तो अभी फॉर्म में भी है, तो अली खान को टेस्ट करने के लिए ये बिल्कुल सही समय है, तो उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों इन 3 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स को केकेआर की टीम सेकेंड मैच में जरूर बाहर रखने वाली है, और पैट कमिंस को ज्यादा चांसेस है सेकेंड मैच में भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना संदीप वारियर और निखिल नायक की जगह कौन से 2 खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में मौका देना चाहिए। केकेआर वर्सेस एसआरएच प्लेइंग 11 वाला वीडियो कल आने वाली है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।